विकास के वादे बड़े बड़े, विकास के दावे बड़े बड़े, एक बच्चा मर गया एम्बुलेंस के भीतर क्योंकि एम्बुलेंस के दरवाजे नहीं खुले। जी हाँ, ये कोई फसाना नहीं, ये हकीकत है। ये हकीकत है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की, जहाँ सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, प्रदेश का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल अम्बेडकर अस्पताल, उसके परिसर में आज एक बहुत ही शर्मनाक और दर्दनाक वाकया नजर आया। एक बच्चा जो कि 1.5 माह का था, एक एम्बुलेंस में अस्पताल पहुंचता है, बच्चा हार्ट पेशेंट था, लेकिन उस एम्बुलेंस के दरवाजे 2.5 घंटे तक नहीं खुले। एम्बुलेंस के भीतर ऑक्सीजन खत्म हो गई और बच्चे की दम घुटने से मौत हो गई। ये बहुत शर्मनाक है, दर्दनाक है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। दोस्तों, इसी बड़े विषय के साथ आज हम आपके सामने मौजूद हैं। मेरे साथ 3 खास मेहमान हैं स्टूडियो में, उनसे आपका तारुफ मैं करा देती हूँ। मेरे साथ विकास तिवारी जी हैं, कांग्रेस के लीडर हैं, नितिन भंसाली जी हैं जो जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के लीडर हैं, और साथ ही साथ सचिन मेघानी हमारे साथ हैं जो बीजेपी के लीडर हैं। आप तीनों का एक बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। बहुत सेंसेटिव मुद्दा, बहुत संवेदनशील मुद्दा, एक बच्चा जो कि 1.5 माह का था, बिहार से आया था इस प्रदेश में अच्छे स्वास्थ्य की कामना को लेकर, लेकिन वो बच्चा इस दुनिया से ही चल बसा क्योंकि बहुत लापरवाह है चिकित्सा विभाग जो छत्तीसगढ़ का है। आप सोचिए, कंडम एम्बुलेंस थी, उसका दरवाजा ऐसा लॉक हुआ, ऐसा जाम हुआ कि वो 2.5 घंटे के प्रयास के बाद भी नहीं खुल पाया। सबसे पहले मैं सचिन जी आपके पास आना चाहती हूँ। आपकी सरकार है पिछले 15 सालों से छत्तीसगढ़ में, बहुत विकास के बड़े बड़े वादे होते हैं, दावे होते हैं, विकास यात्रा निकालते हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, लेकिन राजधानी रायपुर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल, ना केवल रायपुर का, पूरे प्रदेश का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है अम्बेडकर अस्पताल, और उसके परिसर में एक 1.5 माह का बच्चा दुनिया को इस तरह से अलविदा कह देता है, क्या आप इस पे कहेंगे? देखिए, एक तो सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि बहुत ही दुखद घटना है, इसमें किसी प्रकार से राजनीतिक रंग देना एक तरह से गलत होगा। नहीं, राजनीतिक दंग कहाँ, सचिन जी आपकी सरकार है ना, तो आपकी जिम्मेदारी तो सरकार है, उस बात को बिल्कुल हम मानते हैं। आज 108 संजीवनी जो चल रही है वो कहीं ना कहीं सरकार की एक ऐसी देन है जिससे कई लोगों के जीवन का नए जीवन जिन्हें मिला है, कई लोगों के एक्सीडेंट के बीच में हमारी सरकार की इस योजना ने कई जीवन दान दिया है। मानते हैं कि जो घटना घटी है बहुत ही दुखद है और इससे हमको भी बहुत ज्यादा तकलीफ है, हमारी पार्टी को भी तकलीफ है, लेकिन इस प्रकार की घटना होना, आगे चल के भविष्य में ऐसा कुछ ना हो, इस पे जरूर एक बार भी विचार होना चाहिए। और जो आपने कहा कि कंडम एम्बुलेंस है, तो मेरे ख्याल से ऐसा कोई होगा नहीं, लेकिन ड्राइवर की नौसिखिया नहीं, 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 भाई साहब आप वीडियो देखिए, वीडियो है हमारे पास और तमाम सारे चैनल चला रहे हैं, कंडम ही थी वो एम्बुलेंस, उसका दरवाजा ऐसा लॉक हुआ। आप ये तो बहुत ही बेमानी बात है कि आप कहते हैं कि ड्राइवर नौसिखिया था, कई लोग चला रहे थे। सचिन जी, बहुत संवेदनशील मुद्दा, बहस करने नहीं, विचार विमर्श करने इकट्ठे हुए, वैसे भी भाई आप हमारे, एक गाड़ी की चाबी बताइए, बच्चे भी घुमा लेते हैं, उसकी तो जाम हो गया, ताला जाम हो गया भाई साहब, और नहीं खुला 2.5 घंटे तक। और मैं आपको इसके आगे बता देती हूँ, उस 2.5 घंटे के दौरान उन कर्मचारियों से लोग ये गुजारिश करते रहे कि भैया बच्चा हार्ट पेशेंट है, दरवाजा तोड़ लो, उस पर भी किसी ने नहीं सुनी, और अंततः दरवाजा जो कांच था एम्बुलेंस का उसको हटाकर बच्चे को बाहर निकाला, तब तक देर हो चुकी थी, बच्चा मर चुका था। पहले 5-10 मिनट में ही अगर बच्चा हार्ट पेशेंट था, उसको ऑक्सीजन की कमी होने का खतरा था, तो पहले 5-10 मिनट के भीतर ही उस कांच को हटा के एम्बुलेंस के बच्चे को बाहर निकाला जा सकता था। और बिल्कुल निश्चित तौर पे संजीवनी 108 ने लोगों की जान बचाई होगी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि 1.5 माह का बच्चा मर जाए लापरवाही से। लापरवाही की बात मानता हूँ कि उस समय ड्राइवर को कांच तोड़कर जो घटना बाद में उन्होंने जो अंजाम दिया जिस चीज को, उसको पहले देना था, और जान से बड़ा कुछ नहीं होता। और ये सब चीजें उस सरकारी योजना में हो चाहे किसी प्रकार की, अगर उसे क्षति भी पहुंचती है तो जान से बढ़कर कुछ नहीं होता, उसके बच्चे की जान ज्यादा महत्वपूर्ण थी। अगर ये गलती लापरवाही ड्राइवर ने की है तो उसकी सजा तो उसे मिलेगी। नहीं, पूरे प्रबंधन की लापरवाही, मैं जरूर आऊंगी, अभी हम सुनेंगे विकास जी को और नितिन जी को भी, लेकिन मेरी आपने 2-3 सवाल और मैं आपसे करना चाहती हूँ। आप बार बार कह रहे हैं तो दो चीजें आपके बातों से मैं निकल के आ रही हूँ। मैं पहली बात तो कि ड्राइवर की लापरवाही मत कहिए, अस्पताल परिसर था पूरा बेकार, स्टाफ वहाँ था, मदद करने कोई आ सकता था, प्रबंधन किस बात का प्रबंधन, अधीक्षक किस बात के अधीक्षक, सिर्फ केबिन में बैठने के लिए अधीक्षक, एक मिनट। दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण सचिन जी है कि आपने कहा कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, बहुत अच्छी आपकी सोच है, लेकिन इतनी गंभीर है भाजपा सरकार या प्रदेश की सरकार, मैं किसी पार्टी पे नहीं जाती, कि इस घटना को 12 बजे ही घटना हुई है, ये दुर्घटना हुई है, और कितना बज रहा है आप देख लीजिए, 3:15 बज रहा है, कोई बयान नहीं आया आपके किसी नेता की तरफ से, बीजेपी के आपके स्वास्थ्य मंत्री को जो फोन लगाया गया तो ये कह दिया गया कि वो दौरे पर है, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी जो हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी सेक्रेटरी लेवल के, उनको जब हमने संपर्क करने की कोशिश की तो उन्होंने फोन नहीं उठाया, मैसेज का जवाब नहीं दिया, ये संवेदनशीलता हो गई घटना, मर गया बच्चा, लेकिन आप संज्ञान तो लीजिए भाई साहब। सब बातों का जवाब दूंगा, ये ऐसा मुद्दा है जिसमें हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी द्वारा अगर आपको जवाब नहीं मिला है तो उनको पक्का सूचना दीजिए, जवाब जनता को जवाब दीजिए, एक जनता को जवाब बराबर मिलेगा, एक रिएक्शन आ जाता, कोई कार्रवाई की पहल हो जाती,
देखिए कार्रवाई भी होगी, जनता को इसका जवाब भी मिलेगा, उसके माता पिता पर जो बीती है उसकी सद्भावना भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता और सरकार के उनके ऊपर है। और रहा सवाल प्रशासन का और मेकाहारा की, अगर लापरवाही किसी डीन ने भी की है या किसी भी कर्मचारी या अधिकारी ने की है तो उसकी गाज उस पर गिरेगी। और ये बिल्कुल भी नहीं माना जाएगा कि वो बच्चा वापस नहीं आएगा। सचिन जी मैं विकास जी कहलाती हूँ, आप सचिन जी आपको बुलाया है, आपसे जवाब लिया जाएगा पूरा। विकास तिवारी जी, कांग्रेस पार्टी विपक्षी दल है, प्रमुख विपक्षी दल छत्तीसगढ़ का, और इस तरह की घटनाएं हो जाती है, कांग्रेस की कोई जिम्मेदारी बनती है विपक्ष के तौर पर कि आप लोग सरकार में आने की रास्ता देखेंगे कि सरकार में आएंगे तब करेंगे? प्रियंका जी, विषय बहुत गंभीर और गमगीन है। सबसे पहले मैं तो उस परिवार को प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा, उस बच्चे को। और रही बात प्रशासन और शासन की बेरुखी की और कंडम गाड़ी की, तो ये पहली घटना तो है नहीं प्रियंका जी। इसके पूर्व भी इसी मेकाहारा परिसर में चार बच्चों की जान गई, जिन्होंने ऑक्सीजन की कमी के चलते वो मारे गए। वो ऑक्सीजन सप्लाई करने वाला वहां पर एक गार्ड था और वो गार्ड रमन छाप ब्रांडी पी के बेहोश पड़ा था। वहां पर कोई टेक्निकल आदमी नहीं था। जो टेक्निकल आदमी होते हैं, जो टेक्निकल स्टाफ होता है, उस टेक्निकल स्टाफ को इसलिए वहां पर नहीं रखा क्योंकि उनको कमीशन मिलता नहीं है, संविदा के कर्मचारी रखे हैं। जो रमन छाप ठर्रा या देखिए शराब से स्थिति क्या हुई है वो आप जानते हैं। बात यहाँ पर ये है कि अगर उस बच्चे को वहां पर वो कंडम गाड़ी में कैद था तो उस गाड़ी को तुरंत ही तोड़ देना था, उसके खिड़की और कांच को, बच्चे को तुरंत निकालने से। लेकिन शासन प्रशासन और इनके अधिकारियों का इतना दबाव है कि कोई दिमाग नहीं लगा पाया। दूसरी बात, 108 एम्बुलेंस की बात आपने की, सचिन जी सुन तो लीजिए, सचिन जी 108 एम्बुलेंस की बात आपने की कि आपकी सरकार की देन है, इससे बड़ा हास्यपद बात नहीं होगा सचिन भाई। ये मनमोहन सिंह जी की देन है। हाँ, आपकी सरकार ने हमारी सरकार चलाया। मैं बहुत छोटा सा बात कहूंगा बात सुन लिया, आपके बारे में हम सुन रहे थे, आप सुन लीजिए प्रियंका जी। बहुत गंभीर बात ये है कि इनके मुख्यमंत्री जी का, प्रधानमंत्री जी का, मंत्री जी का जो कार्यक्रम होता है, बड़े बड़े इवेंट होते हैं, करोड़ों रुपए के डोम लगाए जाते हैं, क्या एम्बुलेंस नहीं खरीदा जा सकता नया? और आपको एक चौंकाने वाला बात आपके राष्ट्रीय चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा, आप इनके दमान के अस्पताल जाइए और उनसे पूछिए कि वहां पर उन्होंने 12 एम्बुलेंस जो जीपीएस सिस्टम से चलते हैं क्यों खड़ा करके रखे हैं। मैं इस बात को कहना चाहूंगा, जो दमाद का एम्बुलेंस बोल रहे हैं वो शासकीय, ये गलत शब्द है। रमन सिंह जी ने फुलफॉर्म बताइए, आप बीके का फुलफॉर्म बताइए, आप गांव कल्याण सिंह क्यों नहीं लिख रहे, आप बीके का मतलब बताइए। आप गलत बातों को ले रहे हैं, ये पूछना है कि गांव कल्याण सिंह अस्पताल में पांच बैठ रहा है। जी और सचिन जी, ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है, एक बच्चे की जान चली गई है, उसके माता पिता को सामने रखिए कम से कम, और कम से कम बहस मत कीजिए। नितिन जी, नितिन भंसाली जी, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। ये जो आज घटना हुई रायपुर में, ये घटना इतनी गंभीर और शर्मनाक घटना थी नितिन जी की, अंदर तक हिला गई ये घटना लोगों को। आपने इस घटना को सुना, देखा, आपने विश्लेषण किया होगा, आपको क्या लगता है भाई साहब, आप बताइए। 12:30 एक बजे के आसपास इस दुखदायी घटना की जानकारी मिली, बहुत दुख हुआ, ये कोई पहली घटना नहीं है। मैं आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति इसमें कहीं भी नहीं करूंगा, क्योंकि मामला बहुत संवेदनशील है और इसमें कहीं न कहीं ठोस उपायों की जरूरत है। लगातार मेकाहारा में कहें या पूरे प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधाओं की हम बात करें, लगातार इस प्रकार की मौतें इस प्रदेश में सुनने में आ रही। बीच में ही हमने देखा कि एक लाश के ऊपर चींटियां चल रही थी, ऐसा दृश्य एक साथ मेकाहारा का था, पहले ही ये दृश्य देखने को मिला था। कुछ दिनों पहले गर्भवती महिला की मृत्यु के समाचार भी मिले थे। और प्रियंका जी, आप तो स्वयं साक्षी हैं, आज से 2 या 3 साल पहले एक बच्चा नेवरा के स्टेशन पर जो ट्रेन से गिर गया था, और रात को आपने और आपकी टीम ने, हम भी उसमें आपके साथ में थे, आपने देखा था कि यदि हम उस समय अगर समय पर नहीं पहुंचते तो शायद उस बच्चे का पैर काटना पड़ता या उसकी मृत्यु हो जाती। तो यहाँ लापरवाही की सीमाएं पार हो रही है। कोई भी घटना घटे, दुर्घटना घटे, एक ही बात है, इनके नेता कहते हैं हम निंदा करते हैं, हम इसमें सुधार करेंगे, न निंदा करने से यहाँ पे बात नहीं बनेगी। बहुत शर्म की बात और दुख की बात है, 108 संजीवनी के हमारे कर्मचारी हड़ताल पर है कल से। क्यों हड़ताल पर है? कुछ दिनों पहले भी हड़ताल पर गए थे। इन्हीं के प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता, स्वास्थ्य मंत्री माननीय आदरणीय सम्माननीय अजय चंद्राकर जी ने, नहीं पता इनको अकेले में बुलाकर क्या जुमला दिया, इनकी वेतन की और सारी मांगों को पूरा करने का
झूठा वादा किया, जब वो वादे पूरे नहीं हुए फिर ये कर्मचारी आज हड़ताल पर गए। मैं इस हड़ताल को इस बहुत बड़े हादसे का एट प्रेजेंट मैं इस हड़ताल को बहुत बड़े हादसे का जिम्मेदार मानूंगा। यदि इस हड़ताल का निराकरण नहीं किया गया इससे भी भयावह मामले और भी प्रदेश में सामने आएंगे। ये तो रायपुर राजधानी है जहां पर कोई भी घटना घटती तो मीडिया और सारे लोग तुरंत उन चीजों को हाईलाइट करते हैं, लेकिन दूरस्थ इलाकों की यदि हम बात करें, मैंने कल परसों भी अखबार में चित्र देखा था, फोटो देखा था कि कांधे पर एक व्यक्ति मरीज को 10 किलोमीटर पैदल चलकर अस्पताल ले जा रहा। इसमें कोई दोराय नहीं है और कोई शक सुबह नहीं है कि छत्तीसगढ़ में चिकित्सा व्यवस्था जो है वो बहुत ही बदहाल है। जब रायपुर में राजधानी में इस तरह के वाक्य सामने आते हैं तो अंदरूनी इलाकों का हाल तो पाठक और हमारे दर्शक खुद समझ सकते हैं। सचिन जी, इतनी सारी बातें हुई, बिल्कुल आप संवेदनशील इंसान है, आपकी पार्टी बहुत संवेदनशील है, आपके चीफ मिनिस्टर भी बहुत संवेदनशील है, लेकिन संवेदनशीलता किस काम की ऐसी सचिन जी? मेरा बात मेरी पूरी होने दीजिए, मैं आपको पूरा समय दूंगी। सचिन जी, आप सोचिए, आप उस घटना को देखिए, वो वीडियो है सबके पास कि एक बच्चा आता है जिसकी उम्र 1.5 महीना, बिहार का वो बच्चा है और बिहार से छत्तीसगढ़ को इस आशा के साथ आता है, उसके पेरेंट्स उसको लेके आते हैं इस आशा के साथ कि बच्चा स्वस्थ होकर वापस जाएगा। आप सोचिए, उस 1.5 माह के बच्चे को एम्बुलेंस में मेकाहारा लाया जाता है, प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है मेकाहारा अम्बेडकर अस्पताल जिसे हम कहते हैं, एम्बुलेंस के दरवाजे नहीं खुलते 2 से 2.5 घंटे, मतलब ये क्या है? मेरे को तो समझ नहीं आ रहा, कोई शब्द ही नहीं बचा। मैं आज मेरी पत्रकारिता यहाँ पे हार गई, मुझे ऐसा लगता है, मैं इतनी व्यथित हूँ खुद, क्योंकि एक माँ की ऐसे ऐसे मैं सोच रही हूँ, 1.5 महीने का बच्चा उसके माता पिता की गोद में तड़प तड़प के मर गया अस्पताल परिसर में, केवल इसलिए कि एम्बुलेंस के दरवाजे नहीं खुले। क्या है, क्या सरकार की उपलब्धि है? सारी उपलब्धियों पर मिट्टी डाल दीजिए आप इस सरकार की। मैं आपको दिल से कह रही हूँ कि आप सारी उपलब्धियों पर मिट्टी डाल दीजिए कि 1.5 माह का एक बच्चा तरफ तरफ के मर गया, एम्बुलेंस का दरवाजा नहीं खुला। क्या सरकार, क्या चिकित्सा विभाग, क्या चिकित्सा मंत्री, प्रदेश की सारी एम्बुलेंस जो सरकारी सेवाएं जो गरीबों के लिए होती हैं, गरीब ही उसका इस्तेमाल करते हैं, निहायत गरीब लोग, आप जैसे और हम जैसे लोग ना तो सरकारी अस्पतालों में जाते हैं ना सरकारी एम्बुलेंस सेवा का हम लोग कोई लाभ लेते हैं, हमको आवश्यकता नहीं है। जाता कौन है आपको भी पता है, सरकार को पता है, जिसके लिए वो योजना है वही जाते हैं, जिनके पास खाने के ठिकाने नहीं है, माफी चाहती हूं इन शब्दों के लिए, लेकिन क्या उस गरीब की कोई जान की कीमत नहीं है? क्या ये सारा आडंबर है? आज ये लगता है देखकर कि सारा आडंबर ही है, केवल ये दावे हैं, खोखले वादे हैं और धरातल पे हम देखते हैं कि इस तरह से घटनाएं हो जाती हैं। सचिन जी, देखिए, मैं इस बात को जरूर मानता हूं कि बहुत ही दुखद पूर्ण घटना है, इसका कहीं कोई जवाब नहीं है, लेकिन इसके दोषारोपण में देखा जाए तो दोषारोपण नहीं भाई साहब, एक तो आप राजनीतिक एंगल से भारत देखते हैं। देखिए सुनिए, राजनीतिक मानसिकता से मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको एक बात को पक्का विश्वास दिलाता हूँ कि उसमें अधिकारियों की जो लापरवाही हुई होगी उनको बराबर इस बात के लिए सजा मिलेगी, और कहीं ना कहीं उनके इस अधिकार क्षेत्र में जो गलतियां हुई हैं उसका उनका दोषारोपण। और उसमें भी बड़ी बात कि बच्चे का पोस्टमार्टम भी किया गया, एक कोई मुझे बताए, इतने लोग देख रहे हैं इसमें, ये YouTube पे जाएगी डिबेट और आपको कमेंट में लिख सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, कोई मुझे बताए अगर कोई ज्ञानी हो कि किसी अस्पताल में अगर कोई पहुंच के मर जाता है स्वाभाविक मौत भी, तो उसका पोस्टमार्टम होता है अस्पताल में। लोग मिन्नतें करते हैं मत करो पोस्टमार्टम, शरीर खराब मत करो हमारे फलाने संबंधी का। जो बच्चा 1 मिनट जो बच्चा मर गया परिसर में अस्पताल की लापरवाही से, क्या इसलिए उसका पोस्टमार्टम नहीं कराया गया ताकि बाद में ये जुमले गड़े जाएं कि वो तो हार्ट पेशेंट था, अपनी बीमारी से मर गया है, दम घुटने से नहीं मरा है, आपने सारे सबूत भी मिटा दिए, उसका पोस्टमार्टम नहीं हुआ, ये तो मालूम पड़ता है ना कि आपने चोरी की, आप गलत हो। देखिए, गलती इसमें शासन की नहीं बोल सकते, अधिकारियों की गलती है। मैं आपको अधिकारी को कौन चलाता है? अधिकारी आप बार बार सुनिए ना, अधिकारी शासन ऊपर से लेकर नीचे तक हर किसी अधिकारी को दबाव में काम कराता है, सही काम हो सके, अगर कोई अधिकारी लापरवाही बरतता है तो उसको कहीं ना कहीं उसकी सजा उसको मिलती है। रहा सवाल अभी जैसे नितिन जी का, कितने लोगों को सजा दी आपने? देखिए ये हारा में जितनी मृत्यु हुई है, के तहत भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आज तक कानून व्यवस्था के तहत जो भी कानूनी प्रक्रिया है उसको कहीं भी गलती से ऐसा नहीं किया, उसको छोड़ दिया। पर रहा सवाल आपने कहा, आपकी भावनाओं को मैं करना चाहूंगा, आप ये बताइए, आप और आपकी सरकार इतनी आहत है, सचिन जी सुन लीजिए, आप और आपकी सरकार इतनी आहत है उस बच्चे की 1.5 महीने की बच्चे की मौत से, अब आप ये जिम्मेदारी से बताइए कि एक तो उस बच्चे का आप लोगों की सरकार के अधिकारियों ने पोस्टमार्टम नहीं किया, और दूसरा उस बच्चे को ले जाने के लिए, उसके शव को ले जाने के लिए आपकी सरकार ने 100 हामी दिया, किस तरह नहीं दिया बताइए?
देखिए वहाँ पे मैं तत्काल में मौजूद नहीं था, जो जानकारी आपसे मिल रही है मौजूद नहीं है। सरकार पूरा प्रदेश में सरकार कहाँ मौजूदी है? दो रही है मैं आपको बता रहा हूँ, भारतीय जनता युवा और मोर्चा के महामंत्री होने के नाते मैं आपसे पक्का वादा करता हूँ कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री माननीय अजय चंद्राकर जी से मिलकर जितने तत्काल से तत्काल जो कार्रवाई देखिए मुआवजा पैसे देने से किसी की आहत को पूरी नहीं की जा सकती, लेकिन उसकी भावना की आपके पास पैसे लगा रहे हैं। मैं दो बात आपको यहाँ कहना चाहूंगा, आपसे दो बात ये कहना चाहूंगा, अगर किसी प्रकार की एक गलती अगर 99 में 100 में से एक होती है तो आप सब उसको मुद्दा बना देते हैं, और जो 99 अच्छे कार्य हो रहे हैं शासन ने, कलेक्टर ने ये आदेश निकाला है कि कहीं पे भी अगर किसी का एक्सीडेंट होता है तो उसको तत्काल हॉस्पिटल पहुंचाने वाले को 5,000 का इनाम दिया जाएगा। देखिए कितने लोग आते हैं, कहीं ना कहीं सरकार की योजनाएं हैं ये, कहीं ना कहीं अच्छा काम हो रहा है, हमने नहीं काफी काम नहीं हो रहा, काम अच्छे हो रहे हैं। विधानसभा के विधायक श्री चंद्र सुंदरानी जी, मैंने सुना चौपाल लगाते हैं वहाँ पे, बराबर चौपाल लगाते हैं, अपना काम भी करते हैं, अपना काम भी करते हैं, वो व्यापारी हैं, अपना काम भी करते हैं, जनता पार्टी को मतलब नहीं है, वो अपनी जनता की सुविधाओं के लिए है, जनता की सेवा में कहीं ना कहीं लगे, अपना काम कर रहे हैं। सवाल देखिए, चेंबरों को मत चला रहे, वो सरकार के प्रतिनिधि नहीं है, व्यापारियों के प्रतिनिधि नहीं है, व्यापार चाहे हुए व्यक्ति है। बदहाली की जो व्यवस्था है सचिन जी, आपके मैं विधानसभा में आता हूँ, आपके विधानसभा में वार्ड क्रमांक 58 ब्राह्मण पारा में एक सरकारी अस्पताल है, राजा राम तिवारी जी ने उसे 1950-60 के आसपास उतनी बड़ी जगह इसलिए दान दिया था कि गरीबों का इलाज मुफ्त में हो सके। आपकी सरकार के रहते रहते उस बिल्डिंग को 5 माले का बना दिया गया और अस्पताल को 4th माले में चढ़ा दिया गया, नीचे के 2 माले बेच दिए गए। 4-6 महीना पहले नगर निगम का एक कर्मचारी दवाई लेने के लिए वहां पर पहुंचा और लिफ्ट खराब हो चुकी थी, वो 4 माले पैदल चढ़ा प्रियंका जी, और जैसे ही अस्पताल पहुंचा उसकी हार्ट फेलियर में मौत हो गई। अब आप बताइए, आप मेरी बात मोहन अग्रवाल क्षेत्र में उस बिल्डिंग नगर निगम के अंदर दिया गया है, उसमें नगर निगम में कांग्रेस की सरकार, महापौर कांग्रेस है, उस बिल्डिंग के अंदर व्यवस्था देखने का काम महापौर जी का है, उस लोगों को देखने का काम। लेकिन ये कमीशन खोर सरकार ने बिल्डिंग को दी गई है, नगर निगम बराबर नहीं कर रही है। आप शायद भूल रहे हैं, आप शायद भूल रहे हैं कि उस बिल्डिंग को नगर निगम के व्यवस्थापन में दिया गया है, कांग्रेस के महापौर होने के कारण तो सरकार का है, नगर निगम पहुंच रहा है, आपके महापौर कमीशन तो सरकार की है, अग्रवाल जी ने उस जगह बताइए। मेरा देखिए गला बैठ गया है और एक मिनट, ठीक है, अपनी बात सही कह रहे सचिन जी, ठीक है, नगर निगम में महापौर तो कांग्रेस का ही है, जवाबदारी महापौर आपके महापौर नारियल घूमने पहुंच जाते हैं। शांत हो जाइए, क्योंकि एक 1.25 महीने के बच्चे की मौत हो गई, सुन लीजिए, और सरकारी व्यवस्था इतनी बदहाल है इस प्रदेश की कि कुछ दिन पहले आप लोगों ने भी पढ़ा होगा अखबारों में कि जगदलपुर में चूंकि अस्पताल शिफ्ट होना था, चूंकि वहाँ केंद्रीय मंत्री आना है वहाँ पर, और वहाँ पर एक रेप पीड़िता जो लड़की थी वो मुलायजा कराने पूरे 7-8 घंटे भटकती रही, नाबालिग लड़की, ये तो स्थिति है प्रदेश की। और जो चींटियों की आप लोग बात करते हैं, वो रायगढ़ का मामला था कि मरीज के गाँव में चींटियां लगे, अंततः उसकी मौत हो गई, जशपुर का मामला भी आज अखबार, ये सारे मामले, तो ये जो तस्वीर खींचती है पूरी चिकित्सा व्यवस्था की इस प्रदेश की, वो बहुत बेहाल है। अब जिस संजीवनी एम्बुलेंस की हम बात कर रहे हैं, जो कंडम गाड़ियां इस प्रदेश में दौड़ रही हैं, ठीक है, आपने लॉन्च की, सेवा अच्छी है, चाहे मनमोहन सरकार ने लॉन्च की, रमन सरकार ने लॉन्च की, मोदी ने लॉन्च की, इससे हम बहुत ज्यादा फर्क हमको पड़ता नहीं है। सवाल ये है कि उसका मेंटेनेंस कितना हो पा रहा है, इसको कोई मॉनिटर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। दूसरी बात, जीवे की कंपनी है जो इसको पूरा हैंडल करती है, संजीवनी 108 को, पूरे साल में कम से कम 365 दिन होते हैं, तो 250 दिन इसके कर्मचारी वाकई में हड़ताल पर रहते हैं, विकास तिवारी जी इस बात का उल्लेख कर भी रहे थे, अभी भी हड़ताल उनकी चली रही थी। ये शिक्षा, स्वास्थ्य, ये दो ऐसे मुद्दे हैं जो सीधे
जनता से जुड़े हैं, देश के भविष्य से जुड़े हैं। बड़े बड़े बजट पास होते हैं, अलग अलग मदों पर पैसा खर्च होता है, बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, यात्राएं निकलती हैं, लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो जाता है, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य जो दो बेसिक जरूरतें हैं, नीड्स हैं समाज की, उस पर सरकारें गंभीर होकर ध्यान क्यों नहीं देती और ऐसी घटनाएं उसकी पोल खोलती हैं। विकास जी, मैं आऊंगी आपके पास। नितिन बंसाली जी, मैं आपसे आपके पास आ रही हूँ। आप लोगों ने तो घोषणा पत्र बनाया पार्टी का बहुत पहले इलेक्शन का, क्या आपके घोषणा पत्र में कहीं स्वास्थ्य को लेकर कोई बहुत प्रमुख बिंदु है? शपथ पत्र, हाँ माफ कीजिएगा, शपथ पत्र, घोषणा पत्र और संकल्प पत्र वाले बाजू में बैठे जी। शपथ पत्र बता दीजिए, क्योंकि थोड़ा सा राजनीतिक मामला हो रहा है, सरकार में फर्जी स्टाम पेपर छपते हैं, किस कोने में छपते हैं ये बता दीजिए ना भंसाली जी, उनको हर बार बता दीजिए आपको सिंबल भी आ गया है, इसकी जनता की समस्याओं का हल ये नहीं है। पार्टी प्रचार न करिए, न्यायालय में अरे सक्षम न्यायालय में बताइए न्यायालय में घोटाला किसकी सरकार बताइए स्वास्थ्य पे आपने बहुत अच्छी बात की, स्वास्थ्य के साथ शिक्षा भी जोड़ा, दोनों जमीन के दलाल आपस में बैठे हो। नीतीश जी, मेरी कड़ी आपत्ति है, दलाली आप और आपके पार्टी के अध्यक्ष हमारी पार्टी भाषा आप जो कर रहे हैं, मोहन जी की कड़ी आपत्ति है, जो बार बार मुद्दा उठा रहे हैं। मैं विकास जी से ये कहूंगा कि सबसे पहले जो कोर्ट में मामला चल रहा है, दलाल और अंतागढ़ के दलाल क्या बात करेंगे? चीफ गए थे हाईकोर्ट, पिटीशन खारिज हो गया है, कोई जवाब आपके पास? अभी झीलम की बात करते हैं बार बार, ये झीलम पे डिबेट करने आए हैं या फर्क नहीं पाओगे? दो साल का एक बच्चे की, डेढ़ साल के एक बच्चे की डेथ हुई है, यहाँ पर इस तरीके की बातें करने आए हैं? चुप बताइए, आप लोग विषय से भटकिए मत, बिल्कुल भी पॉलिटिकल मुद्दा है नहीं, उसको पॉलिटिकल मुद्दा मत बनाइए। एक बच्चा चला गया है दुनिया से, एक संभावना का अंत हो गया है रायपुर शहर में, और एक एक गरीब का बच्चा गया है, तो गरीब की जान तो बहुत सस्ती है, ये कहने की बात नहीं है। मैंने क्या लाइन जान किसी की जान सस्ती नहीं है, यहाँ सबकी जान सस्ती है। माफी चाहती हूँ आप लोगों से, आप प्लीज, आप लोग आए स्टूडियो में, बहुत अच्छी आप लोगों ने बात करने की कोशिश भी की है, लेकिन चूंकि समय भी कम है और हम अगर हम और बात करेंगे तो ये हम भटक जाएंगे, इसलिए इसको हम यही खत्म करेंगे। मेरा ये निवेदन है आप सबसे, क्योंकि आप तीनों ही प्रमुख पार्टियों के नेता है छत्तीसगढ़ के, आप लोग इसका मंथन चिंतन कीजिए, खासतौर से सचिन जी, क्योंकि सत्ता आप लोगों के हाथ में, विपक्ष केवल अपने हिम्मत, सचिन जी खत्म कीजिए बात, तो आप कहेंगे, विकास जी भी कहेंगे, नितिन जी भी कहेंगे, आपके हाथ में सत्ता है, आपके हाथ में पावर है, आप लोग चाहें तो सब कर सकते हैं, क्योंकि विपक्ष केवल हल्ला कर सकता है, उसके पास केवल उतनी ही क्षमता है, क्योंकि वो सत्ता में नहीं है, उसके पास उसकी मजबूरी है, वो केवल आवाज कर सकता है, ये उसका काम भी है आवाज करना, तो बुरा नहीं मानिए विपक्ष की बातों का, क्योंकि वही आपको आईने दिखाने का काम करता है। और चार लाइनों से इस बहस को मैं खत्म करती हूँ, क्योंकि सचिन जी आप जो भी कहेंगे उसका कोई मतलब नहीं है अभी, लेकिन आपने दमदारी से बात कही, आपको दमदारी आपका शुक्रिया करूंगी मैं आपकी, आप ऐसे मुद्दे पे आए और आपने बात रखी, बहुत समझदारी से बात रखी, पार्टी की तरफ से और स्वास्थ्य मंत्री जी की तरफ से आपको ये पक्का आश्वासन दिलाता हूँ कि पीड़ित परिवार देखिए सुन लीजिए ना, सुन लीजिए नितिन जी, और विकास जी आप भी सुन लीजिए, आश्वासन देने से आश्वासन देने से अरे भाजपा की युवा आवाज है सचिन मेघानी, सुन लो आप, मैं आपको सिर्फ इतना मैं आपसे इतना पक्का आश्वासन दिलाता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और हमारे स्वास्थ्य मंत्री माननीय अजय चंद्राकर की तरफ से, उसके परिवार जो आज बच्चा जो इस दुनिया में नहीं है, जो उसकी पीड़ा को तो हम समझ के भी नहीं समझ सकते, इतनी उनकी माता पिताओं को पीड़ा होगी, लेकिन मैं आपको पक्का आश्वासन दिलाता हूँ कि जो सुविधाएं, जो लाभ उनके माता पिता को मिल सकेगा और उनकी जो क्षतिपूर्ति भारतीय जनता पार्टी और स्वास्थ्य मंत्री एक इंसानियत के नाते, आप बच्चे की मौत में मरहम लगाने के लगे उनको मैं चार लाइनें समर्पित करती हूँ, देश को, इस जनता को, इस लोकतंत्र को जो बहुत ही घायल अवस्था में है, हमारे देश का लोकतंत्र, कि कैद मंत्रालय में कब तक रखोगे जमूर को, जमूर का मतलब होता है लोकतंत्र, कैद मंत्रालय में कब तक रखोगे जमूर को इन गुलामों के लहू में, हम सब गुलाम ही है प्रजातंत्र में, कोई हमारे पास पावर नहीं है, गरीब मर जाता है इस देश में, ये इसकी स्थिति है, तो इन गुलामों के लहू में कुछ तो उबाल आने दो, कैद मंत्रालय में कब तक रखोगे जमूर को इन गुलामों के लहू में, कुछ तो उबाल आने दो, झूठ मक्कारी
फरेबों की लूट, झूठ मक्कारी फरेबों की लूट, खुद होगी खामोश। बेजुबानों की जुबा को बोलना तो आने दो, जनता को बोलने एक मौका दीजिए। जब जनता बोलेगी, जब पीड़ा उसके दिल पे पहुंचेगी तो वो बोलेगी, और जब वो बोलेगी तो उसकी आवाज में बहुत दम होगा। विपक्ष की आवाज में भले ही दम ना हो, आपको सुनाई ना देता हो, कड़वा लगता हो, लेकिन जब जनता बोलेगी तो सत्ता को बहुत भारी पड़ेगी। इसी अपेक्षा के साथ ये व्यवस्थाएं सुधरे, किसी गरीब के बच्चे की जान दोबारा ना जाए, हम सबकी आत्मा जो है वो जागृत हो, इस लोकतंत्र को बचाए। दोस्तों फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार। Exclusive news. Keep watching Chhattisgarh's first online news channel and portal, clips.in.